जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 3 आरंभ करें, कर्म योग। हे जनार्दन, ज्ञान योग यदि सर्वश्रेष्ठ कहते हो, घोर युद्ध सा काम कर्म क्यों कहते मुझसे हो। बुद्धि मोहित हो गई सुन आपके उपदेशों को, निश्चय पूर्वक बताए जाऊं कौन से मैं मार्ग को। हे निष्पाप सुनो अर्जुन, निष्ठा आकार दो, ज्ञान योग और कर्म योग में बता चुका हूँ दो। कर्म से हृदय शुद्ध, शुद्ध हृदय सन्यासी शुद्ध, बिना कर्म सन्यासी बिना कहलाता है सिद्ध। प्रकृति से अर्जित गुण विवश करें हैं कर्म को, एक पल के लिए त्याग न पाए कोई भी कर्म को। कर्म इंद्रियों के वश में, कर्मन से इंद्रिय चिंतन, स्वयं को धोखा देता है वो मिथ्याचार चिंतन। इंद्रियों को मन से वश में कर लेता है जो, इंद्रियों से सत्कर्म करते हैं श्रेष्ठ वो। कर्म न करने से अच्छा शुभ शुभ कर्म करो, कर्म बिना शरीर का संचालन कभी ना हो। कर्म करो तुम यज्ञ समझ कर, हो समर्पण भाव। कर्म बंधन बंधे मनुष्य का, अर्जुन यही उपाय। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ से पूजा रच के कहा, इसी यज्ञ से सब मिले ना कुछ विशेष रहा। यज्ञों से प्रसन्न देवता तुमको भी वर देंगे, देव मनुष्य एक नाव में बैठ सबको तर देंगे। इंद्रिय भोग करते हैं जो देवों से वर पाकर, चोर होते हैं वो जो लौटाए ना ऋण पाकर। जो प्रभु का प्रसाद ही खाते वो ही भक्त कहाए, शरीर पोषण खाए अन्न वो पाप को है खाए। वर्षा से अन्न उपजे और वर्षा यज्ञ से उपजे, शास्त्र विहित कर्मों से ही यज्ञ है उपजे। वेद प्रभु की वाणी है उसमें कर्म विधान, यज्ञ कर्म में स्थिर रहना प्रभु का धर्म विधान। यज्ञ चक्र का जो मानव करता नहीं है पालन, व्यर्थ जीवन उसका पार्थ पाप नैया चालन। स्वयं आत्मा में जो पुरुष लीन हो जाते, उन
उनके सारे कर्तव्य यज्ञ पूर्ण हो जाते। कर्म करे या ना करे कारण रहे न कोई, ना किसी से वर मांगे आत्मसिद्ध जो होए। फल की चिंता छोड़ कर्म को करना ही है धर्म, बिना लोभ के कर्म करना ब्रह्म का है मर्म। शास्त्र विहित कर्मों से राजा जनक कहाए सिद्ध, लोक हित शिक्षित हो अर्जुन कर्म करो तुम शुद्ध। महापुरुष के आचरण पर लोग चले समाज, उसके ही आदर्श कर्म पर विश्व चले समाज। तीनों लोकों में कहलाऊं मैं कर्म बिना संपन्न, तब भी धर्म और कर्म करने में रहता मैं प्रसन्न। यदि मैं कर्म करूं ना तो सुनो पार्थ क्या होगा, अनुसरण मेरा करेंगे कर्म कहीं ना होगा। शास्त्र सम्मत कर्म करूं ना मैं ही नारायण, वर्ण संकर पैदा होंगे होंगे विनाश लक्षण। जैसे अज्ञानी होता है फल इच्छा दीवाना, वैसे ही विद्वान ज्ञान दे बदले सारा जमाना। साकाम कर्म के अज्ञानी को ज्ञानी कभी न रोके, भक्ति भाव से धीरे धीरे सच्चा मार्ग दिखाए। स्वामित्व अहंकार वश देहधारी कर्म स्वामित्व बने, प्रकृति के तीन गुणों से सब संपन्न बने। भक्ति भाव मय कर्म साकाम कर्म है रेत, जो समझे इस भेद को अर्जुन इंद्रिय महल है रेत। माया मोह में अज्ञानी भौतिक कर्मों में लीन, अज्ञानी ऐसे लोगों को रहने दे तल्लीन। अपने सारे कर्म अर्जुन मुझको समर्पित कर, लाभानी से मुक्त युद्ध मुझको अर्पण कर। कर्तव्य समझ पालन करते मेरी आज्ञा का, साकाम कर्म का बंधन टूटे मोक्ष ज्ञाता का। जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को नहीं करते धारण, नष्ट भ्रष्ट और दिग्भ्रमित ज्ञान रहित कारण। ज्ञानी का स्वभाव भी तीन गुणों से प्राप्त, प्रकृति का अनुसरण करे सब ना हठ से प्राप्त। इंद्रिय विषय राग द्वेष नियंत्रण के नियम, राग द्वेष के वशीभूत होए नष्ट आत्मधर्म। स्वधर्म कर्म यदि दोष युक्त भी अन्य के कर्म से अच्छा, अनुसरण करना भयावह हो दूजा चाहे अच्छा। किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप करे मानुष, हे केशव बल पूर्वक उसको कौन करे विवशी। रजोगुण के संपर्क से काम बने हैं क्रोध, पापी शत्रु है ये अर्जुन समझो इसको शोध। अग्नि धुएं में दर्पण धूल में
गर्भाशय में भ्रूण। काम वासना जीवात्मा को ऐसे ढके है पूर्ण। शुद्ध चेतना काम रूपी शत्रु से ढके हुए, अग्नि समान जलता रहे कभी न तुष्ट रहे। इंद्रियां मन और बुद्धि हैं काम शत्रु के धाम। ढक देते हैं ज्ञान वो भौतिक जगत के धाम।